जय माता जी, राम राम सीताराम। देखो, ऐसे ये सोम आप साफ करेंगे ना, हमारे इधर डाबला बोलते हैं, इसमें कोई भी ये ना बालू में ही खड़ी रहती है, लेकिन इसमें लीड बीड आ जाती है, तो एक दिन बाद ये हमारे पूरा इधर साफ करते हैं, और उसमें कोई मिट्टी नहीं रहना चाहिए, यानी कोई भी मिट्टी नहीं रहना चाहिए। कोई भी घोड़ा रखते हैं ना, तो ऐसे ही उसको साफ सुथरा ही रखना। मारवाड़ी होगा ना, तो उसको तो बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ से इसका पानी का सॉस आता है, वो पानी निकल जाता है। अभी ये इसमें पानी भी मारेंगे। ऐसी मिट्टी होती है, वो सर्विस स्टेशन से भी निकाल देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। ये हर यह ना हर पैर में ये निकाल देना चाहिए। तो देखो, ये इसको आदत भी हो जाती है हमेशा। अब एक बार पैर पकड़ेंगे तो ये सीधा उठा लेगी, इसको मालूम होता है क्या करना है क्या नहीं करना। देखो ये तो भी जो देखो ना, ये बालू में खड़ी है, एक एक फीट के आसपास इसका रूम में बालू है, यानी कि वहाँ बालू एक एक फीट के आसपास है, और जहाँ रिंग में दौड़ने के लिए जाती है वहाँ भी बालू है। तो भी ये देखो गोबर आ जाता है, जो लीड आती है, यानी कि लीड बीड जो लीड पे पैर देती है तो आ जाते हैं। तो इसको ऐसा ही साफ रखो हमेशा, और जो हर 3 महीने और 2 महीने हो सकता है तो 2 मंथ के बाद ही इसका जो नाखून है वो डाबला बनाते हैं, हमारे इधर डाबला बोलते हैं, तो बना लेना चाहिए। हमें तो हर 3 महीने इसको बनाते हैं, हो सकता है तो नाइलू भी मार सकते हैं इसमें, लेकिन नाइलू नहीं मारेगा ना। तो ये डाब तो बनाना है, हर 3 महीने उसको बना लेना चाहिए, क्योंकि उसका पैर है ना वो ज़्यादा लंबा डाबला हो जाता है तो मुड़ जाता है। अभी देखो हमारे 2.5 महीना हुआ है इसका पैर का पानी मार, तो भी ये डाब लंबा हो गया है। देखो ये काट लेगा ना तो सीधा रहता है, यहाँ से मुड़ जाता है, जो आप डाबला नहीं काटेगा ना तो ये मुड़ जाता है उसका, जो हमारे इधर कांडा बोलते हैं, छोटे घुटियों भी बोलते हैं। देखो इसकी मैं ये अभी ये सर्विस मशीन है, इसका पानी मारेंगे, ये पूरा साफ हो जाएगा, क्योंकि इसका सॉस है ना, ये सॉस बंद नहीं होना चाहिए, ये पूरा निकल जाता है सब। और ये सर्विस मशीन है ना, आप उसको जैसा करना है ना फुवारा, ऐसा हो जाता है बस। देखो इसको ये आदत हो जाती है ना, कि ये पहले इसको आदत नहीं थी, एक गुस्सा कर रही थी, तो यह हर मिट्टी निकल जाती है इसमें, जो कोई भी होता है निकल जाता है, यानी कि इसमें ये फुवारा जैसा करना है ना ऐसा ये मशीन आता है, करते हैं फुवारा। ये देखो ये मशीन, देखो ये जैसा आपको करना है ना ऐसा हो जाता है। देखो ये बहुत लगेगा, ऐसा मत रखना, ऐसे रखेंगे ना तो सर्विस करने में आपको जैसे रखना है ऐसा रहता है कुआ, और ऐसे सर्विस करते हैं तो इसका जो पसीना आता है ना वो पसीना निकल जाता है पगू में। तो ये है ना बढ़िया पैर रहता है, इसका पैर में कभी कोई दर्द नहीं रहेगा, और ये हमारे सर्विस स्टेशन बना हुआ है, इधर घोड़ा उतर भी जाता है, चढ़ भी जाता है यहाँ से लोड करना है तो, और ये पानी इसके अंदर चला जाता है। देखो इसमें भी ऐसा बनाया हुआ है कि यहाँ एक कुंडी बनाया हुआ है, वो भी दिखाते हैं। देखो इसमें इसमें जो भी मिट्टी बालू लीड कोई भी आता है ना, इसमें कुंडी में जमा हो जाता है, तो ये 15-20 दिन में इसको साफ कर देंगे, क्योंकि यहाँ से तो ये मिट्टी बिट्टी सब आता है, जब घोड़ी सर्विस होती है तो यहाँ से पानी आता है ना, तो मिट्टी सब आता है। ऐसे देखो ये इसमें पसीना भी निकाल देती है, ये हमारी लक्ष्मी है, इसको आदत हो जाती है, जो सफ़ेद निकल रहा है ना ये बहुत ख़राब होता है, जैसे हम लग आई मारते हो जाओ बोलियो नहीं करते हो वहाँ। देखो ये पसीना निकलता है, जो जो सफ़ेद निकलता है ना ये पसीना है, क्योंकि घोड़ा के शरीर में पसीना है ना वो ख़राब रहता है सबसे, क्योंकि ये इसको बड़ी तकलीफ देता है। ये सर्दी होती है तो भी निकालना इसको, एक दो दिन में तो सर्विस करना ही पड़ते हैं, हमारे तो हमेशा इसको सर्विस करते हैं, क्योंकि एक दिन बाद तो करना ही है। तो इसका ये
आराम भी मिल जाता है और जब कोई पसीना होता है सब पसीना निकल जाता है, कोई मिट्टी निकल जाती है ना, ये बालू में ही खड़ी रहती है सब। ये हमारा फार्म है, वो भी कौन सा रूम में खड़ी रहती है ना कैसा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये सर्विस मशीन पहले बताता हूँ, ये देखो ये सर्विस मशीन है, ये चल रहा, ये कोई ज़्यादा मूंगा नहीं आता, ये ज़्यादा कोई पैसा नहीं है इसका। और ये जोगान इसको बचाव के लिए है, तूफान और महादेव, इसमें सब डाला है, सना डाला है, मेथी डाली है, जौ डाला है, सब डाल के रखा है। ज़्यादा है आइटम तो इसमें, ज़्यादा नाम लूँगा तो बाजरी है, मूंग है, अड़द है, सब है। और ये इसका रूम है, देखो इतना साफ सुथरा है कि आप भी इसमें सो सकते हैं। ये हमारे इधर बालू आती है, ये भोगाओ बोलते हैं, और समुंदर की भी आती है, तो इसमें घोड़ी रहती है, तो इसमें इसको कोई दिक्कत नहीं रहती, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। ऊपर फैन भी है, अभी तो घोड़ी बाहर है तो इसलिए फैन बंद किया हुआ है, घोड़ी अंदर आ जाएगी सर्विस होके। तो ये बालू भी बढ़िया रहती है, तो ऐसा घोड़ा रखेंगे ना तो उसको कोई शॉर्ट बोट नहीं लगेगी, बैठना उसको खड़ा होने में तकलीफ रहती है, क्यों गाय भैंस बैठती है ना, ऐसे ये घोड़ा नहीं बैठ सकते, उसको खड़ा होने में भी तकलीफ रहती है, बैठने में तकलीफ रहती है। तो ज़्यादा तो नहीं बैठते, कम ही बैठते हैं, लेकिन रखो तो बढ़िया तरीके से रखो, आप 10-15 रखो उनसे तो 2-3 रखो, 5 रखो, 1 रखो, पर जो भी रखे ना वो बढ़िया रखेगा तो ये आपको बढ़िया आशीर्वाद देगा। ये देखो इसका ठाण है, इसमें ये सने की कुटी है, ये ज़्यादा हम सने वाली खिलाते हैं, सना और जो एक हीरामणि घास आता है ना, हीरामणि घास आता है, घोड़ा को वो ही खिलाना चाहिए। मैं तो हर आदमी को बोलता हूँ, गाजर जो हमारे इधर गदम बोलते हैं, और रजको या ना रजका आता है, वो ही बोला या ना, वो ही खिलाना चाहिए। सिंह का पाला तो कभी नहीं खिलाना चाहिए, हम तो सब आदमी को बोलते हैं। 24 घंटा इसको खाना मिलता है और 24 घंटा इधर पानी मिलता है, देखो ये ऑटोमेटिक पानी भरा हुआ है, ये आपको दिखाते हैं, ये जितना पिएगी ना इतना पानी इसमें आते हैं। जैसे आप कोई नदी में बालू में खुदाई करेगा तो पानी आता है ना, ऐसा ही इसमें पानी आता रहता है। तो ऐसे ही साफ सुथरा रूम रखना चाहिए, ऐसे ही रखेंगे तो ये आशीर्वाद भी देंगे और पैसा भी देंगे, यहाँ नहीं देंगे तो स्वर्ग में देंगे, वो तो पक्का गारंटी है, क्योंकि ये कभी किसी को खाता नहीं। गाय घोड़ा और पक्षी वो अपना कभी नहीं खाएगा, ये दूसरे को ही खिलाते हैं, भगवान उसको 100 गुना देते दे। इसमें अंडे भी डालते हैं, देखो ये ना, ये भी डालते हैं, तो ये घोड़ा का है ना, तूफान और महादेव, देखो ये घोड़ी भी अभी सर्विस होके आ गई है, यानी ये सर्विस होके आई है। ये हमारी अजाई भी है, इसका थोड़ा पैर कमज़ोर है, फैन चल रहा है इसमें, और इसका पैर भी कमज़ोर है बढ़िया लाइन की, और लाइन में भी ये किस्मत से ही मिलती है, क्योंकि जब हमने ख़रीदा था ना तब अननोन करके ही आई थी, उसके बाद में जब उसको जान पहचान की ना, कहाँ से आई से कहाँ से नहीं आई है, तो पता चला कि ये तो वनराज की बेटी है और धनराज की बहन है। ये बढ़िया कलर है इसका, बहुत है, अभी थोड़ी दुबली पतली है, कमज़ोर है, क्योंकि उसका पैर में कमज़ोरी है और बच्चा भी दिया था तो दूध भी पिला रही थी, तो इसीलिए थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन इसका कलर ब्यूटीफुल बढ़िया है। पैर नहीं है तो पैर का तो क्या काम है हमारे, कोई बच्चों में पैर कमज़ोर नहीं आता, उसको एक बच्चा आया है उसमें कोई तकलीफ नहीं है, तो कोई कोई का ऐसा हो जाता है। इसमें ये सूंब में हमने डाबला लगाया है, हमारे इधर नाइलू बोलते हैं, नाइलू मारी हुई है, तो अभी सही हो जाएगी 1-2 महीना में, मंथ 2 मंथ में। तो ऐसा भाई साहब, ऐसा घोड़ा रखेंगे ना, गाय रखेंगे, हिंदुस्तान की कोई भी नस्ल होगी घोड़ा गाय तो बढ़िया आशीर्वाद, और बढ़िया शांत भी रहती है, देखो हाँ।
देखो इसका ये एक ही फूल है पान जैसा, बढ़िया है। इसको थोड़ा सब्सक्राइब करना और शेयर करना भाई साहब। जय माता दी।